तैयारी की, तो तैयारी हम 15 दिनों से लगे हुए थे जी कि कार्यक्रम सफल हो। और हमारे बड़े भाई रंजीत भैया जी, पूर्व मुखिया हमारे, इनका भी बहुत सहयोग रहेगा। बार बार आकर हमसे पूछते थे, बाबू आपको किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है? अगर जरूरत है तो हम भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। तो सारे लोगों का सहयोग मिला तब जाकर ये कार्यक्रम को हम सफल बनाए। ये मेरा श्रेय नहीं है, ये सारे समस्त जनता और मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे पूर्व मुखिया रंजीत भैया का। साथियों, आपके सिवान शहर में बहुत जल्द खुलने जा रहा है सेफ्टी घर, यानी कि सेफ्टी ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज ही ज्वाइन करें सेफ्टी घर, यानी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान जो सिवान का नंबर वन संस्थान बनने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको बता दें कि बहुत कम पैसों में, यानी कि जितना पैसा आप खर्च करेंगे उतना पैसा में आप एक जिंदगी अवल बना सकते हैं। तो आज अंतर्गत बहुत सारे पंचायत हैं, लेकिन मचकना पंचायत को ये सौभाग्य मिला। तो कितना विश्वास था कि इस पंचायत में यह कार्यक्रम होगा? ये हमारे विकास प्रखंड पदाधिकारी श्री माननीय राकेश चौबे जी का, अगर कोई वृद्ध है तो उसे कौन सी योजना का लाभ मिल सकता है, या कोई पढ़ने वाला लड़का है उसे कौन सी योजना का लाभ मिल सकता है, कोई गर्भवती है तो उसे किस योजना का लाभ मिल सकता है। लोग ये पहले जाने और तदनुरूप संबंधित अधिकारी और कार्यालय से संपर्क कर उस योजना का लाभ उठाए। सर, जन संवाद कार्यक्रम में देखा जा रहा है कि महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और संख्या भी बहुत ज्यादा है पुरुषों का बनिस्पत। महिलाओं की संख्या पुरुषों के बनिस्पत सिवान जिला सेक्स रेशियो में भी बिहार में सबसे ऊपर है जी। और निश्चित रूप से महिलाओं में थोड़ा कैपेसिटी बात को सुनने की ज़्यादा होती है, घर में भी वो ज़्यादा बात वही सुनती हैं पुरुषों के माध्यम से या अपने पिता के माध्यम से, पति के माध्यम से वो लोग सुनना पसंद करती हैं। और पुरुष भी ऐसा नहीं है कि सुनना पसंद नहीं करता है, थोड़ा अस्थिर मनोवृत्ति होती है तो हम लोग थोड़ा इधर उधर टहलते रहते हैं, घूमते रहेंगे स्थिर बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन पुरुषों की भागीदारी भी भरपूर थी अभी तक हम लोग के सभी जनसंवाद का। सर, जनसंवाद भी दिव्यांगता का पेंशन नहीं मिल पा रहा है, वृद्धजन है वृद्धा पेंशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिफर करूंगा जी कि लगभग लोग इससे आच्छादित हैं, किसी न किसी कारणवश हो सकता है कि उनका पेंशन रुक गया। तो अगर रुक गया है तो वो प्रखंड कार्यालय से संपर्क करेंगे या यहाँ RTPS सेंटर चलता है, हम लोग कोशिश करके उनके समस्याओं को निराकरण कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिला हो जिसे पेंशन, जिसने अप्लाई ही नहीं किया है या लाभ नहीं मिला है, ऐसा कोई बहुत कम आदमी होगा या बहुत। सर, कुछ लोग मिले थे जो बता रहे थे पहले इसका लाभ वो प्राप्त कर रहे थे जी, लेकिन वर्तमान में नहीं मिलता। अब उसमें हुआ क्या है कि कुछ लोगों के मतलब अब आधार बेस्ड पेमेंट है, आधार में किसी के कोई समस्या है, अब ब्लॉक पे आधार सेंटर खुल गया है, अपनी आधार संबंधी समस्या को दूर कराएं और उसको फिर से उसमें KYC करा करके वो अपना लाभ लेंगे। अब हमारे साथ जन संवाद कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात पंचायत के प्रथम नागरिक अर्थात मुखिया जी जुड़ रहे हैं, समित कुमार उर्फ सिंटू बाबू, जो परिचय का मोहताज नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी का इंटरव्यू मीडिया में भी आया और जन संवाद कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर की। मुखिया जी से बात करेंगे। मुखिया जी, कार्यक्रम जो है काफ़ी शानदार तरीके से संपन्न हुआ पंचायत सरकार भवन पर, कितने दिनों से आप इसकी तैयारी कर रहे थे? पहले तो आपके सारे मीडिया बंधु को और मेरे पंचायत में आए हुए जन संवाद कार्यक्रम में सारे माताओं बहनों और मेरे भाइयों बंधु जितने भी हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाए। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी हम 15 दिनों से लगे हुए थे कि कार्यक्रम सफल हो। और हमारे बड़े भाई रंजीत भैया जी, पूर्व मुखिया हमारे, इनका भी बहुत सहयोग रहेगा। बार बार आकर हमसे पूछते थे, बाबू आपको किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है? अगर जरूरत है तो हम भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। तो सारे लोगों का सहयोग मिला तब जाकर ये कार्यक्रम को हम सफल बनाए। ये मेरा श्रेय नहीं है, ये सारे समस्त जनता और मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे पूर्व मुखिया रंजीत भैया का भी काफ़ी सहयोग रहा। इन लोगों के सहयोग से और प्रशासन सारे लोगों का सहयोग से ये कार्यक्रम आज सफल हुआ जी। मुखिया जी, जन संवाद कार्यक्रम राज्य सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। ऐसे तो प्रखंड के अंतर्गत बहुत सारे पंचायत हैं, लेकिन मचकना पंचायत को ये सौभाग्य मिला। तो कितना विश्वास था कि इस पंचायत में यह कार्यक्रम होगा? ये हमारे विकास प्रखंड पदाधिकारी श्री माननीय राकेश चौबे जी का देन है, जो उन्होंने मचकना को उस लायक समझा, उस पंचायत को उस लायक समझा और ये जन संवाद कार्यक्रम हमारे पंचायत में कराएं। इनके इसके लिए BDO साहब को, CO साहब को और तमाम प्रखंड अधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद और
नमन है जी। मुखिया जी देखे हम देख रहे हैं कि पंचायत सरकार भवन मचकना में सज धज करके दुल्हन के तरह तैयार है, बहुत ही साफ सफाई और इंतजाम भी बहुत ही सुंदर रहा, तो तमाम पंचायत के जनता को क्या कुछ कहेंगे, चूंकि लोग काफी आए थे। जनता के साथ विकास का एक मुद्दा है, विकास हो रहा है और सबसे पहले हमारे पंचायत सरकार बहुत सौरा है और उसी आधार पर पंचायत को धीरे धीरे संवारने का हम काम करेंगे, सारे लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे भी हम विकास ऐसे ही करते रहेंगे। आपको लगता है कि जो जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ सफल हुआ और इसके माध्यम से लोगों को जन जन तक जो योजनाएं हैं बिहार सरकार की वो पहुंच पाएगी? बिल्कुल पहुंच पाएगी, कहीं नहीं पहुंच पाएगी, सारे अधिकारियों का विशेष ध्यान है और हम लोग तो काम करने के लिए ही बैठे हुए हैं, जनता हम लोग को वोट दिए काम करने के लिए और हम लोग काम करने के लिए बैठे हुए, जिस जिस तरह सरकार की योजना आएगी, जिस दिशा निर्देश पर आएगी उस पर हम लोग काम करें। चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मुखिया हैं और इनको लेकर के मुखिया जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, तो इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे आप इस जन संवाद कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन को लेकर के। सबसे पहले मीडिया बंधुओं को धन्यवाद मेरे तरफ से और मेरी तरफ मेरे साथ जनता जनार्दन को भी नमन। देखिए हम लोग के समय में विकास में बहुत ही आसान माने कहे कि सुलभ था, जैसे हम बैठे जेई बैठे वीडियो साहब हुए सचिव हुए एक सेकंड में हम लोग कार्य को शुरू कर देते थे, लेकिन आज जो है सरकार के खिलाफ में नहीं करेंगे लेकिन सरकार का जो नीति जो चल रही है ना विकास को बाधित करने का नीति है ना, जो चीज़ एक घंटा में शुरू हो जाता था आज एक साल लग जा रहा है उस योजना को सुचारू करने में। जैसे देखिए अब टेंडरिंग कर दिया गया है, माने मुखिया को आप मान भी रहे हैं आप मुखिया को दूतकार भी रहे हैं, ये कैसा बात है भाई, आप कह रहे कि मुखिया सब कुछ है आप मुखिया इसे हर चीज सुन भी रहा है, यानी पंचायती राज का जो अधिकार हाँ जो इसके संवैधानिक नियमावली में है उससे सरकार जो है छेड़छाड़ कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है, चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बनाया गया ये लॉ है, कानून है पंचायती राज जी, तो चिंता का विषय है। चलिए हम थे पहले मुखिया थे सचिव थे हमारे जेई थे बैठ कर आज का काम अभी शुरू हो जाता था, लेकिन अभी सब कुछ रहते हुए काम जो है बाधित किया जा रहा है। दो समय कैसा रहा मुखिया जी, प्रतिनिधि लोग को न होता है बंधक बंधक रूप में बना दिया गया है, प्रतिनिधि चाहते हैं कि हम काम करें लेकिन सिस्टम ऐसा कर दिया गया है कुछ चाह कर भी काम नहीं करता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जन संवाद कार्यक्रम को लेकर के आज हम पहुंचे थे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, तो इनका भी स्वागत है। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत के मुखिया और पूर्व मुखिया अपना परिचय दे दीजिए। मैं अक्षय प्रसाद जी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज मचकना, मैं चार पंचायत का पंचायत सचिव हूँ जी। चार पंचायतों का प्रभार आपके कंधों पर है जी और पंचायत सचिव और मुखिया का संबंध बहुत मजबूत होना चाहिए विकास के लिए जी जी, तो दोनों जो मतलब व्यक्ति हैं पंचायत सचिव और मुखिया आप लोगों का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है? ठीक ठाक है तभी ना आज जनसंवाद जो है वो सफल हुआ। बिल्कुल, तो देखिए पंचायत सचिव और मुखिया देखिए आप देखिए कितना सुंदर सज धज कर मुखिया जी का कार्यालय आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, सब कुछ देख रहे हैं क्या क्या ये आपको नहीं लगता है कि संबंध अच्छा है तभी तो ये काम हो रहा है, सामंजस्य नहीं बैठाएंगे हम कहीं खींचतान करेंगे ये खींचतान करेंगे तो काम कैसे होगा। बिल्कुल, देखिए सामंजस्य अच्छा है इसीलिए यह जनसंवाद कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ और जहाँ तक लोगों को इसे लाभ उठाने का बात है तो जो बात नहीं समझ पाते थे कि मेरी उम्र 60 वर्ष हो गई और हमको 400 रुपया का महीना वृद्धजन पेंशन मिलना चाहिए वो जिला के पदाधिकारी द्वारा बताया गया, इसे बहुत लोगों को लाभ होगा, बहुत लोग लाभ उठाएंगे जिस विषय में कृषि विभाग का जो योजना है जो किसान नहीं समझ पाते थे लेकिन आज जन संवाद के माध्यम से लोगों ने समझा और इसे लाभ उठाएंगे। चलिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि पंचायत सचिव पंचायत के मुखिया और तमाम पदाधिकारी मिलजुल करके पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका जीता जागता प्रमाण आज देखने को मिला। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने साफ तौर पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा
कि मचकना पंचायत के हुसैनगंज प्रखंड के मचकना पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई। अभी तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी गंतव्य स्थल से प्रस्थान किए हैं और उनके उपस्थिति में जन संवाद कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक अभी सम्पन्न हुआ है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हुसैनगंज है, इनसे हम बात करेंगे। सर, जन संवाद कार्यक्रम में किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? अब तक इस प्रखंड में जी जी दो जिला स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम जी जी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में और एक अनुमंडल स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में और दो प्रखंड के वीडियो और सीओ के द्वारा अलग अलग पंचायतों में किया जा चुका है। आज ये कार्यक्रम हमारे प्रखंड से समाप्त हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, जनता से संवाद समाप्त नहीं हुआ है। हम लोग परस्पर जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की बात को सुनते हैं, अपनी बात उन्हें बताते भी हैं। उद्देश्य ये था कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोग पहले जाने और उसमें से योजना का वो चयन करें कि किस योजना का लाभ अगर किसान है उसे कौन सी योजना लाभान्वित कर सकती है, विद्यार्थी है तो उसे कौन सी योजना लाभान्वित कर सकती है, अगर कोई वृद्ध है तो उसे कौन सी योजना का लाभ मिल सकता है, या कोई पढ़ने वाला लड़का है उसे कौन सी योजना का लाभ मिल सकता है, कोई गर्भवती है तो उसे किस योजना का लाभ मिल सकता है। लोग ये पहले जाने और तदनुरूप संबंधित अधिकारी और कार्यालय से संपर्क कर उस योजना का लाभ उठाएं। सर, जन संवाद कार्यक्रम में देखा जा रहा है कि महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और संख्या भी बहुत ज़्यादा है पुरुषों का बनिस्पत। महिलाओं की संख्या पुरुषों के बनिस्पत सीवान जिला सेक्स रेशियो में भी बिहार में सबसे ऊपर है जी जी, और निश्चित रूप से महिलाओं में थोड़ा कैपेसिटी बात को सुनने की ज़्यादा होती है, घर में भी वो ज़्यादा बात वही सुनती है पुरुषों के माध्यम से या अपने पिता के माध्यम से पति के माध्यम से, वो लोग सुनना पसंद करती है। और पुरुष भी ऐसा नहीं है कि सुनना पसंद नहीं करता है, थोड़ा अस्थिर मनोवृत्ति होती है तो हम लोग थोड़ा इधर उधर टहलते रहते हैं, घूमते रहेंगे स्थिर बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन पुरुषों की भागीदारी भी भरपूर थी अभी तक हम लोग के सभी जनसंवाद हैं। सर, जन संवाद कार्यक्रम के खबर संकलन के दौरान कुछ ऐसे भी लोग मिले जो कि दिव्यांग हैं और उनको आज भी दिव्यांगता का पेंशन नहीं मिल पा रहा है, वृद्धजन है वृद्धा पेंशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिफर करूँगा जी, लगभग लोग इससे आच्छादित हैं, किसी न किसी कारणवश हो सकता है कि उनका पेंशन रुक गया, तो अगर रुक गया है तो वो प्रखंड कार्यालय से संपर्क करेंगे या यहाँ आरटीपीएस सेंटर चलता है जी, हम लोग कोशिश करके उनके समस्याओं को निराकरण कर रहे हैं जी। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिला हो जिसे पेंशन जिसने अप्लाई ही नहीं किया है या लाभ नहीं मिला है, ऐसा कोई बहुत कम आदमी होगा या बहुत। सर, कुछ लोग मिले थे जो बता रहे थे पहले इसका लाभ वो प्राप्त कर रहे थे जी, लेकिन वर्तमान में नहीं मिल पा रहा। अब उसमें हुआ क्या है कि कुछ लोगों के मैंने अब आधार बेस्ड पेमेंट है, आधार में किसी के कोई समस्या है जी, अब ब्लॉक पे आधार सेंटर खुल गया है, अपनी आधार संबंधी समस्या को दूर कराएं और उसको फिर से उसमें केवाईसी करा करके वो अपना लाभ लेंगे। यानी आपके कहने का सर तात्पर्य है कि तकनीकी कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम को ऐसे जी सरकार की तरफ से कहीं कोई उसमें कमी और या लापरवाही नहीं है जी। अगला सर कार्यक्रम किस पंचायत में प्रस्तावित है, इसके विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक जाए आपके? अभी तक तो नहीं है, जिलाधिकारी महोदय जैसा निर्देश देंगे इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए कि अन्य पंचायतों में भी कराया जाए जी, हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ मचकना पंचायत के मुखिया जी के द्वारा जो कुछ भी तैयारियाँ की गई उनकी जो यहाँ भूमिका रही भागीदारी रही उसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? मुखिया प्रशासन का अंग है और मुखिया जी ने पिछले 15 दिनों से काफ़ी मेहनत की इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और उनका प्रयास सफल रहा, हम उनके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे प्रखंड विकास पदाधिकारी हुसैनगंज, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी संतोष जाहिर किया और पंचायत के मुखिया के दायित्व जो होता है या उनका जो योगदान है उसको लेकर के भी ये जो है संतुष्ट दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। या लापरवाही नहीं ये। अगला सर कार्यक्रम किस पंचायत में प्रस्तावित है, इसके विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक जाए आपके? अभी तक तो नहीं है, जिलाधिकारी महोदय जैसा निर्देश देंगे इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए कि अन्य पंचायतों में भी कराया जाए, हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ मचकना पंचायत के मुखिया जी के द्वारा जो कुछ भी तैयारियाँ की गई उनकी जो यहाँ भूमिका रही भागीदारी रही उसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन का अंग है और मुखिया जी ने पिछले 15 दिनों से काफ़ी मेहनत की इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और उनका प्रयास सफल रहा, हम उनके आभारी हैं। वो कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी संतोष जाहिर किया और पंचायत का मुखिया के दायित्व जो होता है या उनका जो योगदान है उसको लेकर के भी ये जो है संतुष्टि है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजीत। इस वक्त मैं टीम पहुंची है सिवान जिला के हुसैनगढ़ प्रखंड क्षेत्र के आने वाला क्षेत्र जो स्थल है पंचायत सरकार भवन करानू प्रखंड हुसैनगढ़ जिला सिवान बिहार। आज 31/11/23 है, दिन मंगलवार, समय 11 बजे का है। और आपको बता दें कि जन संवाद का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है और मंडल सदर सिवान के माध्यम से जन संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए हमारे साथ यहाँ पे जो जन प्रतिनिधि हैं, जो भी लोग यहाँ पे उनसे बात करेंगे, मुखिया सरपंच किसी बात जो भी लोग मिलेंगे उनसे बात करेंगे। और आपको बता दें यहाँ पे जो फसल दिखाई जा रहा है, जो चीज दिखाई दे रही है, आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और जन भागीदारी से हमारा है इस अभियान।